पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेरोजगारी के मोर्चे पर पूरी तरह विफल हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार की कड़ी आलोचना की है। हुड्डा का कहना है कि पिछले लगभग 3 साल से हरियाणा बेरोजगारी के मामले में टॉप पर है। बीजेपी और बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार इस भयावह होती बेरोजगारी से निजात पाने के लिए अब तक कोई भी कारगर नीति नहीं बना पाई, इसलिए बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए सरकार द्वारा पिछले दिनों प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवियों को आरक्षण देने का जुमला उछाला। लेकिन यह सरकार कोर्ट में अपने उस जुमले का भी बचाव नहीं कर पाई और कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई। हुड्डा ने CMII के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जनवरी में भी बेरोजगारी दर के मामले में हरियाणा पूरे देश में टॉप पर रहा। हरियाणा के युवा पूरे देश से लगभग 3.5 गुना ज्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए प्रदेश सरकार इस हकीकत से नजरें चुरा रही है। सच को स्वीकार करने की बजाय सरकार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMII के आंकड़ों को गलत करार दे रही है, जबकि इस संस्था के आंकड़ों को आधार बनाकर बीजेपी यूपी में वोट मांग रही है। उन्होंने आगे कहा कि सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकार ना तो CMII के आंकड़ों को मानती है और ना NSO के सरकारी आंकड़ों को और ना ही खुद बेरोजगारी का कोई स्पष्ट आधिकारिक आंकड़ा जारी करती है। ऐसे में पढ़े लिखे बेरोजगारों पर 30,000 रुपए तक की कैपिंग लगाकर 75% आरक्षण जैसे जुमलों को गढ़कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती थी, लेकिन वहाँ भी उसे विफलता मिली। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज लगभग 25 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। अगर सरकार बेरोजगारी को लेकर गंभीर है तो उसे लटकी पड़ी तमाम भर्तियों को जल्द पूरा करना होगा। अकेले शिक्षा महकमे में करीब 50,000 पद खाली पड़े हुए हैं। उसे शिक्षा समेत अलग अलग महकमों में खाली पड़े ऐसे हजारों पदों को समयबद्ध तरीके से भरना पड़ेगा। आज प्रदेश की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 3 से 14 नंबर पर पहुंच गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारनी होगी ताकि प्रदेश में निवेश का माहौल बने और उद्यमी यहाँ निवेश करते हुए ना डरे। प्रदेश में निवेश आएगा तो उससे रोजगार सृजन होगा। हुड्डा ने बताया कि उन्होंने कार्यकाल में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 4 IMT की स्थापना की थी, लेकिन इस सरकार में वे खाली पड़ी हुई हैं। उनको विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से कोई नीति नहीं बनाई गई। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा करने की बजाय सरकार जनता को कभी 75% आरक्षण तो कभी फर्जी आंकड़ों का हवाला देकर गुमराह करती रहती है, जबकि सच यह है कि इस सरकार ने हरियाणा की रिहायशी प्रमाण पत्र के लिए 15 साल की शर्त को घटाकर 5 साल करके हरियाणा के मूल निवासियों के अधिकारों पर सबसे बड़ा कुठाराघात किया है। हल्ला बोल हरियाणा।